गुजरात एक ऐसा प्रदेश है और बीजेपी की कृपा से बिहार भी अब ऐसा प्रदेश बन गया है जहां शराब आपको खूब मिलेगी, लेकिन शराबबंदी है। शराबबंदी है। उन्होंने लगा कि आर्यन खाने का आसामी है, मालदार आसामी है, इसका बाप अपने बेटे के लिए 100 करोड़ रुपए भी कभी भी दे देगा। गुजरात एक तरह से हीरोइन का, नशीली चीजों का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। ये सारी साजिश जो है आज से नहीं, 2 साल से चल रही है, और इनका मकसद ये था कि वहां पर जो भी लोग आएंगे उनके ऊपर जो है हम ड्रग प्लांट करके दिखा देंगे और फिर उनसे मोल भाव करेंगे, उनसे पैसा लेंगे और वो हमारी आसामी बन जाएंगे। इसके मूल में भी बीजेपी है, इसकी शुरुआत में भी बीजेपी है। दोस्तों, आदावर से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉच से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है रविंदर कुमार जी आपका। रविंदर कुमार जी, आप कई चैनल्स पे बोल रहे हैं, यहाँ तक कि मराठी चैनल्स पे भी आप आ रहे हैं, खासतौर पर नवाब मलिक और चल रहा है बानखेड़े जी का जो झगड़ा चल रहा, बाकी सही है जो उन्होंने उजागर किए हैं। अब आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला बहुत ज़्यादा तेजी शुरू हो गया है। बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता कुछ ना कुछ स्कैंडल लेके आ रहा है। क्या नवाब मलिक ये थे, नवाब मलिक वो थे, नवाब मलिक वो थे, वो नवाब मलिक अपनी जगह डटे हुए हैं, अपनी बातों पर डटे हुए हैं, उनके ऊपर मानहानि के केस भी कर रहे हैं, उनके ऊपर मतलब कई किस्म की चीज़ें चल रही, लेकिन वो नहीं हट रहे हैं। अब नई दिशा जो ली है उन्होंने, जिस तरीके से चला है, तो और भी आ रहे हैं उनके ऊपर, अब क्या आपका वो है, क्यों क्या? देखिए, मैं पहले दिन से आपको ये कहता रहा हूँ कि आर्यन खान का अपहरण किया गया, और ये अपहरण जो है फिरौती के लिए किया गया, कि पहले जिन लोगों ने इस अपहरण की साजिश रची उन्होंने देखा सबसे मालदार आसामी कौन है, और उन्हें लगा कि आर्यन खान एक आसामी है, मालदार आसामी है, इसका बाप अपने बेटे के लिए 100 करोड़ रुपए भी कभी भी दे देगा। तो पहले इनके जहन में ये आया कि फिरौती लेनी है, फिर टारगेट आया आर्यन खान, और फिर इन्होंने इस अपनी जो साजिश को एग्जीक्यूट किया। अब इस पूरी कहानी में एक सबसे महत्वपूर्ण शख्स है जिसका नाम है विजय पगारे। विजय पगारे जो है वो सुनील पाटिल, जिसको कि बार बार जो कहा जाता है कि वो इस केस का मास्टरमाइंड है, उन दोनों का जिक्र आया, और विजय पगारे ने टेलीविज़न पर बार बार कहा कि ये साजिश जो है 4 महीने पहले रची गई थी, यानी 2 अक्टूबर से 4 महीने पहले ये साजिश रची गई थी, और ये साजिश इसलिए रची गई थी क्योंकि सैम डिसूजा ने सुनील पाटिल को बताया था कि 4 महीने पहले मुझे एनसीबी ने अपने दफ्तर में बुलाया था, मैंने 25 लाख रुपए की रिश्वत समीर वानखेड़े को दी थी, और वो पैसा उसने जो है विजय पगारे से लिया था, और विजय पगारे को मिलवाने वाला जो था वो सुनील पाटिल था, और सुनील पाटिल ने विजय पगारे से पैसे लेकर सैम डिसूजा को दिए, और सैम डिसूजा ने वो पैसे समीर वानखेड़े को 4 महीने पहले रिश्वत के रूप में दिए। अब हुआ क्या कि विजय पगारे बार बार अपने पैसे का तगादा करता था, भाई मेरे पैसे वापस करो। वो पैसे दिलाने के लिए विजय पगारे सुनील पाटिल ने मनीष भानुशाली से बातचीत की, और मनीष भानुशाली ने कहा कि मैं जो है सारे जो नेता हैं बीजेपी के बड़े नेता उनको जानता हूँ, उसने अपनी फ़ोटो दिखाई, अपने व्हाट्सएप पे भी डाली हुई है, अपने फेसबुक पे भी डाली हुई है कि वो मोदी जी के साथ है, वो अमित शाह जी के साथ है, वो महाराष्ट्र के नेताओं के साथ है, गुजरात के मुख्यमंत्री के पास है, मंत्रालय खूब आता जाता है। तो उसने जो है उनका कॉन्फिडेंस जीत लिया, और उसने कहा कि अगर तुम मुझे पैसे दो, तो जब मेरे 50 लाख रुपए फंस गए तो बाकी और पैसे कमाने के लिए और 50 लाख निकालने के लिए ये तीनों जो है एक तरह से मनीष भानुशाली की शरण में चले गए। अब मनीष भानुशाली कौन है? मनीष भानुशाली वो आदमी है कि आप देखिए कि अडानी के मुद्रा पोर्ट पर जो 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई, और जिसका पता आज तक NIA नहीं लगा पाई है, NCB नहीं लगा पाई है, कोई और एजेंसी नहीं लगा पाई है, वो जो है मनीष भानुशाली उसकी सेटिंग कर रहा था,
वो दिल्ली भी आ रहता था, फिर बम्बई भी जाता था, फिर अहमदाबाद भी होता था, फिर सूरत भी होता था, हर जगह हर समय मिलता था। तो वो जो है इन सब के बीच में लाइजनिंग करता था, और उससे पहले मुद्रा पोर्ट पर ही 3,000 किलो हेरोइन फिराई थी। और अभी हमने देखा कि अभी जो है महाराष्ट्र गुजरात में फिर जो है 30 किलो हेरोइन की खेप पकड़ी गई। तो गुजरात एक तरह से हेरोइन का, नशीली चीज़ों का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है, और आज से ही नहीं बना हुआ, पिछले 20-25 साल से बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है ये कोई भी आदमी सोचेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है। सिर्फ 3-4-5 गुजराती मिलेंगे, वही गुजराती दिल्ली में बैठे हैं, वही गुजराती गुजरात में हैं, वही गुजराती बम्बई में हैं, और सब जगह जो है नशे का कारोबार इन लोगों के हाथ में है। अब विजय पगारे ने बड़े साफ शब्दों में सारी बात कह दी, उसे बता दिया कि 27 सितंबर को मेरे यहाँ ये बात हुई कि भाई एक क्रूज़ है और क्रूज़ पे एक पार्टी होनी है, और वो पार्टी जो है उसमें बहुत सारे मालदार लोग आएंगे, आसामी आएंगे, तो उन पे शिकार कर सकते हैं। अब मैं क्रूज़ की कहानी देख रहा था, तो क्रूज़ की कहानी में मुझे सबसे बड़ी बात एक बड़ी मज़ेदार लगी कि बेलोन करके जो उसका आदमी क्रूज़ का कंपनी का मालिक है, जिसका नाम है बैकवाटर लेजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, कंपनी का नाम, ये कंपनी का नाम है। और उस कंपनी की हेड कंपनी कौन सी है? वो है एसएल वाले मालिक जो हैं, जो कि जी के मालिक हैं, जी के मालिक हैं, सुभाष गोयल। सुभाष गोयल उस कंपनी के मालिक हैं, सुभाष गोयल ने वो कंपनी शुरू की। और सुभाष गोयल कौन है? बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के एमपी हैं, हरियाणा से। तो आप अब सारी चीजें जोड़ लें तो पता चलेगा इसके मूल में भी बीजेपी है, इसकी शुरुआत में भी बीजेपी है। ये जो पार्टी है ये शुरू नहीं हुई थी, ये सिर्फ आर्यन खान को, बम्बई के जो अमीर लोग हैं उनको फंसाने के लिए, जी टीवी के मालिक, एसएल वर्ल्ड के मालिक, जिन्होंने जैन टूरिज्म करके एक कंपनी बना रखी, और ये जहाज जो है करजुला जो जहाज है ये ऑस्ट्रेलिया से खरीदा। तो ये सारी साजिश जो है आज से नहीं, 2 साल से चल रही है। और इनका मकसद ये था कि वहाँ पर जो भी लोग आएंगे उनके ऊपर जो है हम ड्रग प्लांट करके दिखा देंगे, और फिर उनसे मोल भाव करेंगे, उनसे पैसा लेंगे, और वो हमारी आसामी बन जाएंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि कल जो है नवाब मलिक ने भी बताया कि भाई 2 लोग हैं 3 लोग हैं बम्बई में, लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे दफ्तर में 100 ग्राम वो मिल जाएगी, 50 ग्राम ये मिल जाएगी, पैसे दे दो, 70 लाख दे दो, 1,20,00,000 दे दो, वो पैसे वसूलते हैं। तो एक पूरा संगठित रैकेट जो है बीजेपी ने 2 राज्यों में चला रखा है, एक है गुजरात में और एक है महाराष्ट्र में। गुजरात का रैकेट जो है वो है शराब का। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है, और बीजेपी की कृपा से बिहार भी अब ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ शराब आपको खूब मिलेगी, लेकिन शराब बंदी है। यानी होम डिलीवरी होती है शराब की। जी जी, बीजेपी का हर विधायक, हर सांसद जो है रिश्वत खाता है, हर SHO को पैसे मिलते हैं, हर MP को पैसे मिलते हैं, और नशे का पूरा संगठित कारोबार जो है पूरे गुजरात में चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है, और नशे का संगठित कारोबार जो है बीजेपी की कृपा से महाराष्ट्र में भी चल रहा है, और NCB जो है उसमें उसकी सबसे बड़ी संरक्षक है। अब विजय पगारे की कहानी फिर आ जाती है कि विजय पगारे से उन्होंने कहा कि नाना, वहाँ पे जैसे लोगों को भाई या नाना बोलते हैं, नाना बोलते, तो बोले नाना तुम्हारे पैसे जो है 3 तारीख को मिल जाएंगे। तो 2 तारीख को रेट पड़ी, 2 तारीख की रात को 50 लाख रुपए आए। ये बात विजय पगारे को भी पता है। अब विजय पगारे कह रहा है कि ऐसे ऐसे पैसे आए, ऐसे ऐसे पैसे गए, फिर 38 लाख आए, फिर वो जो है पैसे जो है किरण गोसावी ने उनमें से 12 लाख रख लिए, फिर सैम डिसूजा कहता है मैंने उसे धमकाया, फिर जो है विजय पगारे कहता है कि ये झगड़ा हुआ इनका, फिर वो पैसे वापस चले गए। और वो पैसे किसके पास चले गए? जहाँ से आए थे, पूजा ददलानी से आए थे, पूजा ददलानी के पास चले गए। फिर बीच में एक आदमी आता है जिसका कहते हैं जी ये जो है इन चीज़ों को, पैसे को ले जाने लाने वाले जो आंगड़िए होते हैं, आर किरण, उसकी कंपनी का भी नाम आ गया कि पैसे उससे भी आए। उसने कहा जी किरण गोसावी ने, मैं ऐसे नहीं लूँगा, मेरे को तो कैश दो, क्योंकि जब वो खुलेगा ऑफिस तब वो पैसे देता आंगड़िया। तो रात की बात थी कि हमें तो पैसे तुरंत चाहिए।
तो आप समझिए पूरा महाराष्ट्र जो है इस समय नशे के शिकार करने वाले लोगों की गिरफ्त में है, और जो समीर वानखेड़े है वो आर्यन खान से पहले भी, अगर चार महीने पहले उसने 25-25 लाख रुपए लोगों से वसूले हैं, तो इसका मतलब हुआ आतन इरातन और हर तरह से वो जो है रिश्वतखोर अफसर है, वो कानून का दुरुपयोग करता है, कोबरा क्राइम जो है विद इम्प्यूनिटी करता है, और उसमें जो है मैंने आपको बताया एसएल वर्ड और जी का मालिक भी शामिल है। तो आप समझिए कि जी का शामिल मालिक शामिल होने का मतलब है कि 28% शेयर है जी का भारत के जो टेलीविज़न नेटवर्क में है, तो टेलीविज़न नेटवर्क का मालिक भी इसमें कहीं ना कहीं जुड़ता है, फैशन टीवी भी इसमें जुड़ता है जो नाम आ रहे हैं। तो ये साजिश जो है आज से नहीं चल रही। आर्यन खान को देश को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने 27 दिन जेल में रहकर देश की जो सेवा की है वो सेवा ये की है कि उसने इन दुष्टों के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है, और वे अभियुक्त नहीं है बल्कि एक तरह से इनका शिकार है, पीड़ित है, उसको ही सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। और अगर अदालतों को इस बारे में थोड़ा भी कॉन्शियस है, अदालतों की आत्मा जिंदा है, तो अदालतों को सुओ मोटो इस मामले को पहल में लेकर उस बच्चे को बार बार जो हर हफ्ते बुलाते हैं कि जी एनसीबी के दफ्तर आओ, मुनमुन को एनसीबी के दफ्तर आओ, या अरबाज मर्चेंट को एनसीबी के दफ्तर आओ, उससे मुक्ति दिलानी चाहिए। और अन्यथा मैं मानूंगा कि वहाँ की जुडिशरी, जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं, जो कि बड़े मैं मानता हूँ ईमानदार और बढ़िया आदमी हैं, अगर वो इस पे सुओ मोटो एक्शन नहीं लेते तो महाराष्ट्र की जनता को उनको कहना चाहिए कि आप जागो और इस जंगल राज को जो है उसका खात्मा करने की शुरुआत आप करो। और मुझे मेरा मानना है कि अगर ऐसा नहीं होता एक हफ्ते में तो मैं भारत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना को इस बारे में जरूर पत्र लिखूंगा और कहूंगा कि केंद्र की सरकार जो है, केंद्र की जो जुडिशरी है वो जो है इस बात की पहल करे, और सुप्रीम कोर्ट को खुद इस बारे में अपने बारे में उसी तरह से पहल करनी चाहिए जिस तरह उन्होंने हमने देखा कि लखीमपुर वाले मामले में पहल की और मामले में पहल की। आज के समय में एन वी रमन्ना को मैं मानता हूँ कि वो हिंदुस्तान के देश को बचाने में 9 महीने तक उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, और वो इस बारे में अगर शुरुआत करते हैं तो आर्यन खान को ही सिर्फ न्याय नहीं मिलेगा बल्कि जितने भी 65,000 लोग हिंदुस्तान की जेल में एनसीबी के कानून के तहत जेल में हैं, और 234 वो लोग जिनके बारे में समीर वानखेड़े कहता है कि मैंने अपने टाइम में जेल भेजा, जिनमें 100 के करीब जो है विदेशी हैं, उन सबको न्याय मिलेगा। और मैं ये नहीं कहता कि अपराधी को अपराध की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन निरपराध को अपराध के लिए सजा देना, उसको बदनाम करना, उससे पैसे वसूल करना, उससे बड़ा अपराध है, और इसके लिए देश की न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को पहल करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। होना भी यही चाहिए जो रविंद्र कुमार जी ने कहा, और इस तरीके से ही सिस्टम ठीक होगा जो होना चाहिए जिस तरीके से एनआरकी मची हुई है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मसले को और बेहतर तरीके से समझाया। अगले पर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।